हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। 9 एडजस्टमेंट हमने ऑलरेडी लास्ट की क्लासेस में कवर कर लिए विद एग्जांपल। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओशेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं बैड डेट। बैड डेट का मतलब क्या होता है कि जब भी क्रेडिट सेल की जाती है गुड्स, तो उस केस में डेटर्स अराइज हो जाते हैं। तो जितने टोटल डेटर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक डेटर ईमानदारी से टाइम पे पैसा पे कर दे। उनमें से कुछ डेटर्स ऐसे होते हैं जो पैसा देते नहीं हैं, जो पैसा डूब जाता है, उन्हें बोलते हैं बैड डेटर। एक्सप्लेनेशन कहती है कि पर्सन जिनको गुड्स सेल की गई थी क्रेडिट पे, उन्हीं को हमने डेटर का नाम दिया है। कई बार क्या होता है कि डिसऑनेस्टी के कारण या फिर डेथ या फिर इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर के कारण जो पूरा अमाउंट होता है वो रिकवर नहीं हो पाता। तो यहाँ पे कुछ ऐसा पार्टिकुलर अमाउंट रहता है जो रिकवर नहीं होता, उस इरिकवरेबल अमाउंट को बैड डेट बोला जाता है। जो बैड डेट होते हैं ये अनडाउटली लॉस होता है फर्म के लिए, क्योंकि ये पैसा डूब गया, पैसा मिलेगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस कहलाएगा। इस कारण से इसे डेबिट साइड पर लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। अगर बैड डेट हमें ट्रायल बैलेंस की एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस के बिलो पॉइंट पे एडजस्टमेंट गिवन होती है, एडजस्टमेंट के अंदर अगर बैड डेट गिवन है, तो उसकी दो जगह पे प्लेसिंग की जाती है। एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखा देना है, और दूसरा जब हम बैलेंस शीट में असेट साइड पर डेटर दिखाएंगे तो उन्हें डेटर्स में से माइनस कर देंगे बैड डेट। जैसे एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस गिवन है, बैड डेट डेबिट बैलेंस है 8000, मतलब कि डेट बैड हो चुके हैं, पैसा रिसीव नहीं होगा अब इनसे। सन्ड्री डेटर 2 लाख के दे रखे हैं, राइट ऑफ कर देने फर्दर बैड डेट। फर्दर का मतलब क्या है कि ऑलरेडी 8000 तो बैड हो चुके हैं, इसके अलावा 10000 डेटर और हैं जो बैड हो चुके हैं, मतलब कि ये इरिकवरेबल अमाउंट है। बैड डेट फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस होते हैं और लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। तो जब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो उस केस में हमने बैड डेट को डेबिट कर देना है, तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी बैड डेट अकाउंट डेबिट। अब जब डेट बैड हो जाते हैं, जिस कारण से डेटर का बैलेंस कम हो जाता है, तो हमने सन्ड्री डेटर्स को क्रेडिट कर देना है, क्योंकि सन्ड्री डेटर्स असेट्स होती हैं, असेट्स का बैलेंस डेबिट होता है, जब ये कम हो जाते हैं तो बैलेंस पलट के क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट के नाम से, जो फर्दर हमारे पास बैड डेट हो चुके हैं 10000 से, तो 10000 हमने यहाँ पे दिखा देना है। अब इसका फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनाया जाएगा उसकी डेबिट साइड पे दिखाया जाएगा। इसे डेबिट साइड पे जब हम दिखाएंगे, ऑलरेडी जो बैड डेट हो चुके हैं उसका बैलेंस हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, जो कि हमारे पास 8000 से गिवन है। 8000 तो ऑलरेडी हमारे पास ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है कि बैड डेट हो चुकी हैं। अब फर्दर और बैड डेट जो है 10000 के, उसमें ऐड कर देंगे जो हमारे पास फर्दर बैड डेट हो चुके हैं। बैड डेट के नाम से 10000 है जो और बैड डेट हो चुके हैं, तो टोटल है जो 18000 बैड डेट अमाउंट हो चुके हैं। अब जब हम इसे बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर असेट साइड पे दिखाए जाते हैं जो डेटर्स होते हैं। डेटर्स हमने बैलेंस शीट के अंदर जो दिखाने हैं वो बैलेंस गिवन है डेटर्स का ट्रायल बैलेंस के अंदर 2 लाख, तो 2 लाख यहाँ पे दिखा दिए। अब ये 10000 तो हमने ऐड कर दिए बैड डेट के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। वहीं अब डेटर्स जब बैड हो जाते हैं, जिस कारण से इसमें से माइनस करते हैं बैड डेट के नाम से, कितना बैड डेट हो चुका है 10000, तो 1,90,000 बैलेंस है जो रहेगा। कि हमें 2 लाख रुपये लेने थे लेकिन उसमें से 10 के आ चुके, डूब चुके, तब कितने मिलेंगे, 1,90,000 मिलेंगे। इस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है बैड डेट का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है हमारे पास प्रोविजन फॉर बैड डेट और डाउटफुल डेट। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर बैड डेट या फिर डाउटफुल डेट का मतलब क्या होता है, जब हम करंट ईयर के अंदर हिसाब करते हैं तो उस टाइम पे हम जो नेक्स्ट ईयर के अंदर डेटर्स रिसीव होने होते हैं उसके लिए प्रोविजन क्रिएट कर लेते हैं कि इतना डाउट है कि हमें ये डेट रिसीव नहीं होगा।
तो उसे बोलते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि हमें डाउट है कि ये पैसा डूब सकता है, तो हम पहले से करंट ईयर के अंदर उसके लिए प्रोविजन प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें ना एक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होती कि कितनी अमाउंट होगी, उसका से हम 10% 20% या जितना भी हमें डाउट रहते हैं उतना प्रोविजन जो क्रिएट किया जाता है डाउटफुल डेट के नाम से। जितने एक्चुअल में बैड डेट हो जाते हैं वो डेटर्स में से माइनस कर देते हैं हम करंट ईयर में। लेकिन जब हम करंट ईयर के एंड में हिसाब लगाते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ डेट ऐसे हैं अभी भी जो बैड हो सकते हैं, जिनके ऊपर डाउट है, तो ऐसे में हमने उनके लिए पहले से करंट ईयर के अंदर प्रोविज़न क्रिएट कर लेना होता है। ये जो बनाए जाते हैं करंट ईयर के अंदर प्रोविज़न, ये नेक्स्ट ईयर के डेटर्स के ऊपर बनाए जाते हैं। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं 2024 और 2025। 2024 में हमने जो डेटर बैड हो चुके हैं वो हमें पता है कि एक्चुअल में कितने बैड डेट हो चुके हैं, लेकिन जब 2024 को क्लोज करेंगे, ये कब क्लोज होगा, 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 मार्च 2024 को क्लोज होगा। तो जब हमने 31 मार्च 2024 को क्लोज करना है तो हमें ये डाउट है कि जो डेट हमें 2025 में रिसीव होने हैं, तो ये पूरे रिसीव नहीं होंगे, इनमें से कुछ डेट के ऊपर डाउट है। तो इसके लिए हमने पहले से क्या कर लेना है, प्रोविज़न क्रिएट कर लेना है, जिसे बोलते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कि हमें डाउट है कि डेट क्या हो सकते हैं, बैड हो सकते हैं, इस कारण से प्रोविज़न क्रिएट कर लिया जाता है। ये प्रोविज़न क्रिएट करते हैं, ना कि इसे रिजर्व बोला जाता, इसे प्रोविज़न बोला जाता है, क्योंकि जो ये प्रोविज़न क्रिएट किया जाता है इसका मकसद लॉस से बचना होता है, ना कि बिजनेस को स्ट्रेंथ देना होता। जब हम 2025 में पहुंचेंगे एक्चुअल में कितने डेट बैड हुए हैं तो हमें तभी पता चल पाएगा ना, क्योंकि पहले तो हमने क्या किया उसका डाउटफुल डेट का प्रोविज़न क्रिएट किया है। तो जब ये जो प्रोविज़न क्रिएट किया डाउटफुल डेट का, ये किसके लिए किया, 2025 के लिए किया है, तो अब कितने एग्जैक्ट एक्चुअल अमाउंट डेट की बैड होती है वो हमें 2025 में पहुंचने के बाद ही पता चलती है। तो अब इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं इसे। मान लेते हैं कि जो डेटर है हमारे पास, डेटर्स गिवन है ट्रायल बैलेंस के अंदर 60,000 से, और प्रोविज़न क्रिएट करना है बैड डेट डाउटफुल डेट के ऊपर 5%। जब हम 60,000 का 5% करेंगे तो 3,000 प्रोविज़न बनते हैं। एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करेंगे कि जो ये प्रोविज़न फॉर बैड डेट होते हैं ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना है, टू में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दिखा देंगे कितना अमाउंट, 3,000 से। अब जब हम इसे फाइनल अकाउंट के अंदर दिखाएंगे, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा, वहीं दूसरी तरफ ये बैलेंस शीट की असेट साइड जब हम डेटर दिखाएंगे तो डेटर में से माइनस कर देंगे प्रोविज़न को। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखा देने, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से जो अमाउंट बनती है 3,000 रुपये, और हमने बैलेंस शीट की असेट साइड पे जब हम डेटर्स दिखाएंगे, डेटर्स हमने एग्जांपल के तौर पे 60,000 मानी है, तो उसमें से हमने ये प्रोविज़न माइनस कर देना कि हमें डाउट है कि इतने डेटर रिसीव नहीं होंगे, कितने 3,000। तो हमने बैलेंस शीट के अंदर मान लेना कि 57,000 रुपये ही हैं जो डेटर से मिलेंगे। तो इस तरीके से हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जो करेंगे। इसी के अंदर एक और पॉइंट है कि जैसे मान लेते हैं कि जो ये हमने 3,000 प्रोविज़न क्रिएट की है, ये 2024 के है और ये 2025 का, तो 2024 में हमने प्रोविज़न है जो क्रिएट किया हुआ है कितना, 3,000 बनाए, यहाँ पे 3,000 का प्रोविज़न है। तो जब हम 2025 में पहुँचेंगे तो 2025 के लिए प्रोविज़न कौन सा हो जाएगा, ओल्ड प्रोविज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोविज़न ओल्ड प्रोविज़न हो जाएगा, जिस कारण से ट्रायल बैलेंस की हमने क्रेडिट बैलेंस के अंदर दिखाना है जो ये 3,000 रुपये है। 2024 में जब ये प्रोविज़न क्रिएट किया था तो ये 2024 के लिए न्यू प्रोविज़न बना था, लेकिन जब ये प्रोविज़न हमने 2025 में कैरी कर दिया तो ये 2025 के पॉइंट ऑफ व्यू से यही 3,000 का प्रोविज़न क्या बन गया, ओल्ड प्रोविज़न बन गया, जिस कारण से इसे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड दिखाया गया है। तो जब 2025 में हम आ गए हैं
तो अब हमें एक्चुअल में पता चल जाएगा कितने डेट है जो बैड हो चुके हैं। तो जितने एक्चुअल में डेट बैड होंगे वो हमने चार्ज कर लेने हैं, पूरे कर लेने हैं किससे, ओल्ड प्रोविज़न से। तो फिर हम जब 2025 में इस अकाउंटिंग ईयर को क्लोज करेंगे तो 2025 के एंड में फिर हमने 2026 के लिए प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बनाने, जो क्या कहलाएगा 2025 के लिए न्यू प्रोविज़न कहलाएगा डाउटफुल डेट का। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे यहाँ पे दिखाएंगे टू बैड डेट के नाम से, टू बैड डेट के नाम से दिखाएंगे, इसमें ऐड कर देंगे न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और माइनस कर देंगे ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट को। जो ओल्ड प्रोविज़न होगा वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड गिवन होगा, जो यहाँ पे हमने माइनस करने, जो न्यू प्रोविज़न होगा ये हमें एडजस्टमेंट के अंदर गिवन होगा। जब एडजस्टमेंट के अंदर गिवन है तो इसकी दो जगह पे हम प्लेसिंग करते हैं, एक तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पे ऐड कर दिया बैड डेट के अंदर, वहीं दूसरी तरफ बैलेंस शीट की असेट साइड जब हम डेटर दिखाएंगे तो उसमें से माइनस कर देंगे। ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसके अंदर हमें 2017 का डाटा गिवन है, बैड डेट की अमाउंट 800, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल ये 16 का दे रखा है क्रेडिट साइड पे, मतलब ये ओल्ड प्रोविज़न है डाउटफुल डेट का। डेटर्स गिवन है 80,000 से, प्रोविज़न क्रिएट करना डाउटफुल डेट का 5% डेटर, जर्नल एंट्री पास करनी है और लेजर अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करनी है। तब हमने देखा कि बैड डेट में 800 रुपये पड़े हैं और जो ओल्ड प्रोविज़न है 2500 का, और जो डेटर है वो 80 के, और जो नया प्रोविज़न क्रिएट करना है 5% है। 80,000 का 5% करेंगे हमारा नया प्रोविज़न हो गया। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की जाएगी, जो बैड डेट है ये ट्रांसफ़र किए जाएंगे ओल्ड प्रोविज़न के अंदर। तो हमने जर्नल एंट्री पास कर देनी है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट के नाम से, जो हमारे पास अमाउंट है 800 से। तो ये हमने बैड डेट ट्रांसफ़र कर दिए ओल्ड प्रोविज़न के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस से कितना चार्ज किया जाएगा, अभी हमने कंसेप्ट समझा था कि जब हम बैड डेब्ट के अंदर ऐड कर देते हैं न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट और इसमें से माइनस कर देते हैं ओल्ड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट का। बैड डेट हमें स्टेटमेंट के अंदर गिवन है 800 रुपये से और जो ओल्ड प्रोविज़न गिवन है 2500 से, तो ओल्ड प्रोविज़न की जगह हमने ओल्ड प्रोविज़न जो कि क्रेडिट साइड दिया और ट्रायल बैलेंस के 2500, और नया प्रोविज़न हमने बनाया था कि 80,000 के डेटर्स हैं 5% उसका प्रोविज़न बनाएंगे तो हमारे पास 4000 बनता है। 800 प्लस 4000 करेंगे 4800, माइनस करेंगे 2500 तो 2300 रुपये है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड दिखाया जाएगा। तो इसके लिए जर्नल एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से हमने दिखा देने हैं 2300 से। तो जब हम बैड डेट अकाउंट बनाएंगे, बैड डेट अकाउंट को जब हम प्रिपेयर करेंगे, इसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो हमने बैड डेट अकाउंट का जो बैलेंस है ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, जो 800 रुपये से गिवन है, इसका बैलेंस 800 रुपये से गिवन है, तो इसकी ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा ये टू बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 800, ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है। फिर हमने जो बैड डेट के नाम से एंट्री पास की है, जैसे कि यहाँ पे बैड डेट को क्रेडिट किया हुआ है, तो हमने बैड डेट लेजर के अंदर क्रेडिट साइड पे बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दिखा देंगे, बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट के नाम से 800। नेक्स्ट हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट प्रिपेयर करना है, जब हम प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इसमें दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो हमारे पास जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट है, स्टेटमेंट के अंदर गिवन है वो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे, इसका इसको क्रेडिट साइड से इसका ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं बाय बैलेंस बीडी के नाम से, जो कि हमें ओल्ड प्रोविज़न दे रखा है 2500। अब हमने देखने की
इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से कितनी जर्नल एंट्री है जो पास की गई है। तो हमने एक तो फर्स्ट जर्नल एंट्री पास की थी जिसके अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को डेबिट किया है, तो हमने पोस्टिंग के टाइम पे अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से दिखा देना है। तो हमने डेबिट साइड पे टू बैड डेट के नाम से दिखा देना है 800। और हमने इसके अलावा जर्नल एंट्री पास की यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट किया है, तो हमने अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 2300। अब इसका बैलेंस करते हैं, बैलेंस जो कि हमारे पास बनता है 4800 से बनता है क्रेडिट। अब नया प्रोविजन जो क्रिएट किया गया है वो हम यहाँ पे टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे, जो कि हमने 80,000 डेटर्स का 5% करके 4000 जो नया प्रोविजन क्रिएट किया है, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4800 बनता है। तो डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। नेक्स्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर रिपेयर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे ये सारा हमने ट्रीटमेंट जो यहाँ किए दिखाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाया जाता है सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के नाम से दिखाएंगे बैड डेट जो कि ऑलरेडी गिवन है हमारे पास 800 से, उसमें ऐड कर देते हैं न्यू प्रोविजन जो बनाया गया डाउटफुल डेट का 4000 से, 4800 बन गया। इसमें से माइनस कर देना हमने ओल्ड प्रोविजन जो कि ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड गिवन है 2500 रुपये से, माइनस करके 2300 रुपये बैलेंस आ गया जो हमने यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर ट्रीटमेंट किया, यही सेम हमने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड दिखा दिया। तो जब हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे इसे, बैलेंस शीट में असेट साइड पे जो ये दिखाया जाएगा, असेट साइड पे जो हम डेटर्स दिखाएंगे, डेटर हमारे पास 80,000 के हैं, तो उसमें से लेस कर देंगे न्यू प्रोविज़न जो कि हमने 4000 से बनाया, 80,000 का 5% करके जो नया प्रोविज़न बनाया है, तो हमने ये नया प्रोविज़न दिखाना है बैलेंस शीट में, माइनस करेंगे तो 76,000 है जो दिखाए जाएंगे बैलेंस शीट की असेट साइड पे। तो इस तरीके से बच्चों ये कंसेप्ट बनता है। आज तो हमने थ्योरी बेस पे समझे ये सारे एडजस्टमेंट, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे प्रैक्टिकल बेस पे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैंने वीडियोज़ अपलोड करो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।